बाली को कह रहे हैं कि तू राज्य छीन लेता सुग्रीव का तो मैं तुझे माफ कर देता, तू सुग्रीव की हत्या कर देता तो मैं माफ कर देता, लेकिन तूने अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या समय चारी, इन्हें कुदृष्टि मिलो गई जोई, ताही हने कुछ दोष न हुई। क्या देवताओं से भी भगवान से भी गलती होती है? राम ने बाली को युद्ध में छिपकर क्यों मार दिया? युद्ध तो सुग्रीव और उसके भाई के बीच हो रहा था। हाँ सही है, मुझे भी लगता था शुरू में, मैंने अपने पिताजी से पूछ लिया था, ये क्या बात हो गई। भगवान ने बाली को छुपकर मारा, दो लोगों के बीच कुश्ती चल रही थी, इसके बाद मार दिया। लेकिन अगर मानस ठीक से पढ़ो तो बाली ने भी यही सवाल भगवान से पूछा जो तुमने मुझसे पूछा है। बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुही मारा, मैं बैरी हो गया सुग्रीव प्रेमी हो गया, आपने मुझे क्यों मार दिया? भगवान ने उसे उत्तर दिया, उन्होंने कहा कि तूने राजपाट छीना, इस बात से मेरी कोई नाराजगी नहीं, तुम दोनों भाइयों का आपसी संघर्ष था, लेकिन तूने एक ऐसा अपराध किया जिसमें तुझे मारना आवश्यक था, और तुझको स्वयं श्रीहरि भगवान में ही ये वरदान दे रखा है कि तेरे सामने जो जाएगा वो आदिशक्ति ले लेगा, इसलिए तेरे सम्मुख में ना तो भगवान का अपमान कर सकता जाकर, और ना ही मैं सुग्रीव को पराजित देख सकता था, कि तुझे तेरे अपराध का दंड मिलना आवश्यक था। और अपराध क्या था? अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, रे नीच रे पापी, तू मेरा भक्त अवश्य है पर तूने ऐसा अपराध किया जिस पर दंड मिलना ही था, क्योंकि छोटे भाई की बहू, इसी मानस की तो कमी है जो तुम सीरियल देख रहे हो रात को 8 बजे, महिलाएं देख रही हैं, चैनल का नाम लेकर उसे क्यों बड़ा करो, जिसमें वो एक डब्बू टाइप का हीरो है और वो दोनों बहनों से शादी कर रहा है, पहले बड़ी वाली से करती थी, फिर छोटी से छोड़ के दूसरी से कर ली। अगर उसने मानस पढ़ी होती, देखने वालों ने पढ़ी होती तो उसे बंद कर देते, बोले बदलो तो बकवास आ रही है। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, बेटे की बहू, सुन सट कन्या सम ए चारी, रे मूर्ख, ये चारों बेटी के समान होती, इन्हें कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, इन्हें बुरी दृष्टि से जो देखे ताही हने कुछ दोष न होई, उसे मारने में कोई दोष नहीं है, भगवान का उत्तर। और आप समाचार क्या पढ़ रहे हैं? मुझसे अगले हर साल संवाद करो मत करो आवश्यक नहीं है, मैं भारत कुलम चलाऊं न चलाऊं आप सहयोग दो मत दो, अपने आप भारत कुलम खोल दो, क्योंकि अगर ये शिक्षा गई हो, आपको पता है कि अज्ञातवास में छुप कर रहे थे पांडव और रहे कहां थे? अलवर के पास मत्स्य प्रदेश में, वहां विराट नामक एक राजा था। जैसे ही दुर्योधन को यह पता चला कि 1 वर्ष पूरा होने में 1 दिन बाकी है, गलती हो गई, मैथमेटिक्स गलत लगाई, जब षड्यंत्र में रहोगे तो हिसाब ठीक लगाओगे ही नहीं, सेना लेके चल दिया। जब सेना आ गई हस्तिनापुर की कुरु सेना, तो विराट नरेश कहीं गए हुए थे। उस समय अर्जुन एक ब्रह्मनला बनकर, एक किन्नर बनकर विराट नरेश की बेटी उत्तरा को नृत्य सिखाते थे। आपको पता है ये कहानी? पता है उनका एक लड़का था, उसका नाम था उत्तर, लड़के का नाम उत्तर, लड़की का नाम उत्तरा। उत्तर जो था वो थोड़ा सा इंस्टा जीवी था, एक इंस्टा जीवी प्रजाति है जो फिल्टर लगा के खुद को लगती है, वो जिंदगी फिल्टर लग गई है उनकी, वास्तविकता कुछ और है, दिख कुछ और रहा है। तो जब बात पता चली कि बाहर आ गए कौरव तो कौन मारेगा, पिताजी तो बाहर गए, तो बोला कोई चिंता नहीं मैं मार के भगा दूंगा इन्हें, है कौन भीष्म मार दूंगा। तो तुरंत जो चमचे खड़े थे वही राजकुमार के भी चमचे थे, आप तो लोकतंत्र में भारत में रहते हो, आपको पता है राजकुमारों के चमचों के बारे में, आपसे बेहतर कौन जानता है, राजकुमारों को तो खानदानी होते हैं, वो उनके पहले माता पिता के होते हैं फिर उनके उत्तर में मिलते हैं। बोले अरे महाराज बस अब तो राजकुमार मार देंगे। अब उन पांचों पांडवों को तो पता ही था कि भाई कुछ भी कर लो कर्ण को कौन मार पाएगा, तो बोले चलो लड़ने चलते। तो फिर वो अब एक्सक्यूज तलाशने लगा,
कि क्या करूं। बोला मैं चला तो जाऊं पर क्या है, वहां कर्ण मिलेगा और वहां भीष्म मिलेंगे, मुझे कोई ना एक ड्राइवर अच्छा चाहिए, रथ कोई अच्छा चलाने वाला चाहिए, रथ वाला हो तो मैं मार दूंगा। अब रथ वाला कहां से आए, तो मजाक करने के लिए भीम बोले कि युवराज ये भीम वहां रसोइये थे, आपको पता है वल्लभ ये जो रहनला है ना जी किन्नर, इसने अर्जुन का रथ चलाया है, ये जानता है। बोले चलाया है? बोले हाँ। अब तो फंस गया, अब चमचे भी क्या करें, चढ़ा दिया। एक बात और ध्यान रखना, चमचे केवल चढ़ाते हैं, युद्ध तक जाते नहीं है। तो युद्ध में उत्तर अकेला ही गया। अब रथ लेके जा रहे हैं, अर्जुन रथ चला रहे हैं और पीछे वो खड़ा है। तो जैसे ही चमचे हटे उसको औकात पता चल गई कि मैं तो हरा ही नहीं सकता। तो ड्राइवर से बोला यार वो मैंने झूठ बोल दिया था, वापस ले ले और कह देना कि सेना दिखाई नहीं दी। उसने कहा कैसी बात करते हैं आप युवराज, क्षत्रिय हैं, घर से कह के आए हैं। चलते समय उत्तरा बोली कि भैया आप जा रहे हो, मैंने सुना है कि कौरवों के वॉरियर कपड़े बहुत अच्छे पहनते हैं, मुझे कपड़े ला के देना सबके उतार के, जब मार लो उनको। बोला हाँ गुड़िया, मैं अपने गुड़िया को पहनाऊंगी। देखो आप खुद तो मरने जा ही रहा है, बयान और ले लिया। बड़ा आनंददायक किस्सा है महाभारत में है। तो वहां जाने लगा तो शमी के वृक्ष के नीचे अर्जुन ने रथ रोक दिया। जैसे ही रथ रोका उत्तर कूदा और भागा, उसने कहा तू मर मैं चला। अर्जुन उसके पीछे पीछे भागे, अर्जुन ने उसे पकड़ा, बोले साहब अब नहीं जाने दूंगा, अब तो लड़ना पड़ेगा। बोले लड़ू कहां से, हथियार कहां है? उन्होंने कहा रुको, शमी के वृक्ष के ऊपर हथियार बांध के छुपा रखे थे अर्जुन ने। अर्जुन ने हथियार निकाले, अरे बोले ये तुम इतने जबरदस्त हथियार हैं, ये कैसे हैं? बोले ये अर्जुन के हैं और मैं ही अर्जुन हूं। बोले तू कैसे अर्जुन हो सकता है, तू तो वहां नाचता है, तू तो वृहन्नला है, तू तो किन्नर है। बोले मैं ही अर्जुन हूं, हम अज्ञातवास में थे इसलिए मैं ऐसा वेश था। उसने कहा अर्जुन है तो अर्जुन के 12 नाम है सुना, वे 12 नाम भी उसने सुनाए, किरीटी परंतप सव्यसाची गुणाकेश फाल्गुनी जिष्णु कौंते अमृत भारत, ऐसे करके 12 नाम है वो सुनाए। अब बोला कि अर्जुन ने कहा ऐसा है बेइज्जती मत कराओ, और अर्जुन ने उसको बीच में जो डंडा होता है छत्र के नीचे उस पर बांध दिया ताकि भागे ना, ऊपर से कपड़े पहना दिए। अर्जुन ने कहा मैं लड़ लूंगा आप बैठे, आपके नाम विजय होनी चाहिए। अब अर्जुन ने अपना बजाया शंख, पौंड्रू नाम है उसके शंख का, शंख की ध्वनि पहचान गए। ने कहा ये तो अर्जुन है, ये तो सामने आ गया, एक दिन रह गया है, फिर दोबारा 14 साल। पिता में विष्णु का नहीं, आज ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 14 वर्ष पूरे हुए, क्योंकि मैं अपने बच्चों के वापिस आगमन का रोज दिन गिनता था। अब पिता में की बात कौन टाले, अर्जुन ने पहले 2 बाण छोड़े, एक द्रोणाचार्य के चरणों में आके लगा और एक पिता में भीष्म के चरणों में आके लगा। किस्सा यह है कि अर्जुन ने सबको मूर्छित कर दिया, पराजित तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि पराजित करके वो अपमान नहीं करना चाहता था। चलते समय उत्तर ने कहा कि मुझे कपड़े ले जाने अपनी बहन के लिए, गुड़ियाओं के लिए। उसने कहा सबके उतार ले, 2 के कपड़े छूना मत, एक मेरे काका पिता में भीष्म के और एक मेरे गुरु द्रोणाचार्य के, बाकी सबके कपड़े ले। किसी का दुपट्टा ले लिया गया, किसी का और कपड़ा अंगरखा ले लिया गया, चले गए। जो मैं बताना चाहता हूं वो कि अगर ये प्रतीक नहीं समझे तो कितनी हानि होगी। जब पहुंचे तो फिर चमचे फिर इकट्ठे हो गए, अब तो शपथ ग्रहण का समय आ गया, अब तो चमचे चाहिए, महाराज की जय हो, युवराज ने कमाल कर दिया। अब वो संकोच में बोले नहीं, लेकिन बात खुल गई कि ये तो पांडव है। इस बीच विराट नरेश लौट आए और विराट नरेश को जब ये पता चली तो विराट नरेश कांपने लगे। उन्हें लगा कि दुनिया के सबसे बड़े योद्धाओं को मैंने अपने यहां नौकर रखा, मैंने इस कंक को धर्मराज युधिष्ठिर के माथे पर मैंने अपना पासा मारा, इतनी गालियां बकी, वो डरने लगे बहुत ज्यादा। ये ऐसे है जैसे चौराहे पर अवैध वसूली कर रहे किसी सिपाही को अचानक सिविल वर्दी में डायरेक्टर जनरल पुलिस महाराष्ट्र मिल जाए और वो उनसे भी वसूली कर ले और बाद में कप्तान साहब बताएं कि साहब भरे तो मेरे भी बॉस है भाई, तो जो उसकी हालत होगी गार्ड की, वो हालत विराट नरेश की हो गई।
ये संस्कार अगर पड़ा होता तो ये समाचार ना आते कि शिष्या गुरु जी के साथ भाग गई, छात्रा को लेके भाग गए गुरु जी फला जगह, ये समाचार ना आते। इसीलिए भारत कलम की आवश्यकता है। डरकर प्रेम से भरे हुए विराट नरेश ने कहा कि मैं आपको क्या दूं, आप मेरा राज्य रख लीजिए। युधिष्ठिर ने कहा नहीं, जिसने आश्रय दिया हो, जिसने संकट के समय रोटी खिलाई हो, उसके राज्य पर कब्जा करना अधर्म है, हम एक जमीन का एक टुकड़ा भी आपसे नहीं ले सकते। ये युधिष्ठिर का चरित्र। अब अगला चरित्र सुनिए। बोला अच्छा, मुझे फिर चारों तरफ देखा, बोला मुझे ना इस राज्य से भी ज्यादा प्रिय है, अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्रिय है, अपने बेटे से ज्यादा प्रिय मुझे अपनी बिटिया है उत्तरा। ये उत्तरा मैं अर्जुन को देता हूं, अर्जुन इससे शादी कर ले। अर्जुन ने कहा महाराज, जन्म दो तरह का होता है, एक शरीर का और एक ज्ञान का। मैंने इस लड़की को नृत्य सिखाया, इसे ज्ञान का जन्म दिया है, इस नाते मैं इसका पिता हो गया, मैं इससे शादी कैसे कर सकता हूं। विराट ने कहा कि ये तो वागदत्ता हो गई, मैंने वाणी से दान कर दिया, वागदान संस्कार सगाई, मैंने वाणी से कह दी कि तुम्हारे यहां गई, वापस कैसे लूं। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्ग निकाला कि पुत्र वधू भी बेटी के समान होती है, हम अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के लिए आपकी बेटी का रिश्ता स्वीकार करते हैं। यही बात भगवान बाली को कह रहे हैं कि तू राज्य छीन लेता सुग्रीव का तो मैं तुझे माफ कर देता, तो सुग्रीव की हत्या कर देता तो मैं माफ कर देता, लेकिन तूने अपने छोटे भाई की पत्नी पर बुरी दृष्टि डाली। अनुज वधु भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या समेचारी, इन्हें कुदृष्टि मिलो कई जोई, ताही हने कुछ दोष न होई। मैं आशा करता हूं जिसने प्रश्न पूछा था उसको उत्तर मिल गया होगा, आपको भी उत्तर मिल गया।